हेलो फ्रेंड्स, आज हम उपमा बनाएंगे। तो उपमा बनाने के लिए हमने एक पैन गरम होने रख दिया है गैस पे। उसमें अभी हमने थोड़ा सा घी ऐड किया है। घी गरम हो जाने पर जब वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि विंटर्स का मौसम है तो घी थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, तो उसे मेल्ट करने की ज़रूरत है। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि वो मेल्ट हो गया है पैन में। गर्म होने के बाद सबसे पहले हम सूजी ऐड करेंगे, क्योंकि सूजी को थोड़ा सा भूनना होता है। वो थोड़ी सी भून जाएगी उसके बाद ही हम उपमा बनाने की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। अभी आप देख रहे हैं घी गर्म हो चुका था, उसमें हमने सूजी डाल दी है और सूजी भून रही है। थोड़ा लाइट ब्राउन कलर उसमें आएगा, गोल्डन ब्राउन टाइप्स। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है उसको। जैसे हम हलवा बनाते हैं तो हमको उसमें अच्छे से सूजी को भूनना होता है, इसमें हमें उतना ज़्यादा नहीं भूनना होता है। अब आप देख रहे हैं कि सूजी भुन रही है। इसमें हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ देखिए दिख रहा है कि सूजी भुन चुकी है। अब जैसे ही ये भुन गई है तो इसको हम निकाल करके एक अलग कंटेनर में रख लेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। और उसी पैन में हमने वापस से थोड़ा सा घी ऐड किया है। देसी घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो रिकमेंडेड है कि आप भी इसमें देसी घी यूज़ करें, हेल्दी भी होता है। देखिए ये भी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी राई ऐड करेंगे, ये देखिए। और जैसे ही राई थोड़ा सा तड़कने लगेगी हम उसमें करी पत्ता भी ऐड करेंगे। देखिए राई हमारी तड़क चुकी है, अब हम इसमें करी पत्ता ऐड कर रहे हैं। ये इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये प्याज हमने चॉप करके रखी हुई थी, वो प्याज हम ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब आप प्याज फ्राई कर रहे हैं, इसमें हमारे पास में हरी मिर्च नहीं थी तो इस वजह से हमने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है, वरना जब हम इसमें राई डालते हैं, करी पत्ता डालते हैं, उसी टाइम पे हम हरी मिर्च को भी स्लिट करके डाल सकते हैं। हमारे पास हरी मिर्च नहीं थी तो इसमें लाल मिर्च का यूज़ करेंगे। वो हम सब सब्जियां डाल देंगे, उसके बाद में जब वो फ्राई हो जाएंगी तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे फॉर फ्लेवर। अभी देखिए हमारी जो प्याज है वो भुन रही है। इसमें आप जो वेजिटेबल्स डालना चाहें डाल सकते हैं, जो जो आपके पास अवेलेबल हो। हमारे पास में कुछ वेजिटेबल्स अवेलेबल थी, जैसे मटर, गाजर, टमाटर। अब इसमें हम मटर को डाल दे रहे हैं प्याज के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा पक जाएगी जब तक का हमारी बाकी सब्जियां फ्राई हो रही हैं। अब इसको मटर को डाल के भी थोड़ा सा स्टर करें। मटर भी देखिए काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब हम जो गाजर हमने चॉप करके रखी हुई है वो भी ऐड करेंगे इसके बाद, थोड़ा सा और पक जाए, क्योंकि मटर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, वरना जब आप खाते हैं तो अच्छा सा फ्लेवर नहीं आता उसका। हमारी मटर काफ़ी पक चुकी है तो अब हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे जो हमने फाइन चॉप करके रखी है। कितना अच्छा कलर आ रहा है देखिए, ग्रीन रेड। सर्दियों में सब्जियों का यही फ़ायदा होता है कि खूब सारी सब्जियां आप ऐड कर सकते हैं, हेल्दी भी होती है और अच्छा भी लगता है टेस्ट वाइज भी। अब इसको भी हम इसमें स्टर करके पका लेंगे। जब हमारी गाजर भी पक जाएगी तो इसमें हमने जो टमाटर चॉप करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। देखिए हमने टमाटर ऐड कर दिया है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि जो हमने इसमें टमेटोज़ ऐड किए थे वो काफ़ी पक चुके हैं और उसका जो फ्लेवर एक्टिवेट होता है वो भी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सूखी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास हरी मिर्च थी नहीं तो ऑल्टरनेटिवली हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको कम ज़्यादा डाल सकते हैं, हम यहाँ पे उसको 1 टीस्पून के बराबर डाल रहे हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी गर्म करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं।
पानी अप्रॉक्स हम इसमें 3 कप्स ऐड कर रहे हैं, वार्म वाटर। उसके बाद हम सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे पानी के साथ। 3 to 4 कप्स पानी आप ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा लगे तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जब ये पक जाएगा, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि बॉयल आ रहा है, तो फिर हम इसमें जो हमने सूजी भून कर रखी हुई थी वो ऐड करेंगे। देखिए हमने ऐड कर दी है, 3 कप्स वाटर डाल रहे हैं, तो आप 1 कप सूजी ऐड करिए, 1 से 1.5 कप मैक्सिमम। और इसमें ऑलरेडी इतनी सारी वेजीज हमने ऐड कर रखी हैं, तो हमने इसमें सूजी भी ऐड कर दी है। तो इसको अच्छे से हम स्टर कर लेंगे, क्योंकि सूजी को फूलने के लिए पानी ठीक क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो हमें थोड़ी सी सूजी कम लग रही थी, तो हमने थोड़ी और सूजी ऐड करी है, और अब इसको हम पानी में पका लेंगे। जो बॉयल पानी ऑलरेडी पक चुका था, सब्जी हमारी पक चुकी थी पहले, फिर पानी भी बॉयल हो गया था, अब उसमें हमने सूजी ऐड करी है। बस सूजी इसमें फूल जाएगी और सेट हो जाएगी, जैसे ही पानी इसमें सूख जाएगा हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी देखिए हम इसको मिक्स करते हुए कंटिन्यूअस हम इसको स्टर करते रहेंगे सूजी डालने के बाद, ताकि वो चिपके नहीं और कहीं पे भी ब्लॉक ना बने उसका। ये देखिए हमारा उपमा बनके रेडी है।